السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. مختصر حمد ثناء اور درود و سلام سے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ دوست و عزیز بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڈے تے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے انہیں سانوں انسان بنا کے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنا. حضرات عزیز وقار، اللہ خالق کائنات نے میرے اور تواڈے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات واسطے بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ اور بہترین رہبر رہنما لیڈر ریفارمر مربی معلم مدرس اور رہبر بنا کے مبعوث فرمائے، اور آپ صرف انسان نہ دیں بلکہ تمام جہان دے اور جہان دے اندر وسن والیاں تمام مخلوقات دے نبی رسول اور ساری مخلوقات واسطے رحمت بن کے آئے. محبوب کائنات اللہ دیا تمام مخلوقات نے پہچانے، صحابہ کرام ایک معاملے کے اندر بڑے پریشان، پج دوڑ تے بھگدڑ مچی. نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ کی ہوئے، عرض کر دیں اللہ رسول
फलां शख्स का ऊंट जेड़ा है वह बेकाबू हो गया है। जब पंजाबी च कहने ना ऊंट भूतर गया है, रस्से टुटांदा पे किले किले पुटांदा पे, ऊंट बेकाबू हो गया है, खतरा किसी इंसान का नुकसान करेगा, काबू नहीं आ रहे। अल्लाह के रसूल ने सलाम उठे फरमाया किथे अल्लाह के रसूल है, ऐ समझ लो अगली गली मेरी सरकार तशरीफ लै गए ते सहाबा परेशान ने कि ऊंट ते बिदक गया है, बेकाबू हो गया है, भूतर गया है, कोई शख्स डरदा उहदे करीब नहीं पिया लगदा, ते अल्लाह दे रसूल नूं वी अगे नहीं जाना चाहीदा, ऊंट नुकसान पहुंचाए, कुर्बान जावा मेरी सरकार सामने गए ते वो ऊंट जिहड़ा कई लोगों के कोलों काबू नहीं आया, मेरे महबूब करीम अलैहि सलाम सामने गए, ऊंट बड़ी आहिस्तगी और बड़े आराम न लगे बढ़िया, और मेरी सरकार दे मोढ़े ते अपना मुंह लिया के रख देता, ले मेरे महबूब मेरी नकेल अपने हाथों में पकड़ो, और एक रिवायत के अंदर है कि आका दे कदमों के अंदर अपना सिर रख देता, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने बड़े आराम के नाल ऊंट दी नकेल नूं पकड़िया, सहाबा हैरान हो गए, अल्लाह दे रसूल ऊंट दा अंदाज ते ऊंट दी कैफियत ते दस दी पई जिवें ऊंट तुहानूं पहचानदा, ऊंट तुहानूं जाणदा है। मेरी सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सिर्फ ऊंच नहीं, ऐ दो पत्थरीले इलाकियां दे दरमियान अल्लाह दीयां जितनियां मखलूकात ने ये सारियां जानदियां ने कि मैं अल्लाह दा नबी हां, तमाम मखलूकात जानदियां ने कि मैं अल्लाह दा नबी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहने के एक चरवाहा बकरियां चला रहा सी, ते एक भेड़िया इहदी इज्जड़ दे विचों रेवड़ दे विचों एक बकरी नूं शिकार करके उठा के ले गया, ते भेड़िया मगर चढ़िया ते दांत सोटा तरह तफा कीता, ते बकरी भेड़िए कोलों छुड़ा ली, बकरी खोली लेके तुरन लगया, ते भेड़िया अपनी दुम दे बल बैठ गया, ते कहन लगा वाह अल्लाह दे बंदिया मेरी रोजी और मेरे मुकद्दर का जेड़ा रिस्क अल्लाह ने मैनू अता कीता मेरे को खो ले, मेरी रोजी मेरा लुकमा मेरे को खो के ले जा। चरवाहे ने मुड़ के वेखिया ते हैरान हो गया कौन बोलिया, जदों वेखिया कोई नहीं ते कहिंदा किड्डे ताज्जुब दी गल है भेड़िया इंसाना वांगो गल्लां करदा पिया, भेड़िया गुफ्तगू कर रही है कलाम कर रही है, कितने ताज्जुब की बात है, ते भेड़िया बोल के कहन लगा ए इतने ताज्जुब की बात नहीं, इस तो ज्यादा बड़ी बात ए वे कि ओ जड़ी यसरब की बस्ती है ना खजूरा वाली, ओदे विच एक शख्स आया जिहड़ा अल्लाह दा नबी है, और पिछलियां खबरां ते इलाके दियां जनाब पिछले जमाने दियां खबरां और अगले आने वाले हालात दियां पिछीं गुण करदा पिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात से रावी ने कि उस बंदे ने आके किया कि अल्लाह के रसूल तुहाडा तारफ मैनूं जंगल विच इक भेड़िए ने करवाया, अल्लाह दी हर मखलूक ने पहचान पाक पैगंबर अली सलाम ने मौजे मंगवाए मौजे पाउण वास्ते, मेरी सरकार ने एक मौजा पैर ते चढ़ाया दूजा चढ़ाने लगे ते कौआ आया उन्हें मौजा पकड़िया उडारी मार गए, मुसनद अहमद दी रिवायत इंशाल्लाह एक बात दा एक रिवायत दा एक एक हदीस दा एक एक लफ्ज़ दा जिम्मेदार, और ए अल्लाह दी रहमत दे नाल जिम्मेदार ए जमात दा नुमाइंदा उत्तर जमात इस वक्त तुहाडे सामने बैठा है। मेरे भाई ने बड़ी सोहनी गल कीती है, अज असी इत्थे किसे अपने मसले ते किसे जनाब ग्रोह या जमात और फिरके दी बात नहीं, अज असी इत्थे मुसलमान बन के इकट्ठे होए हां, बरादरी दी गल उहनां ने कीती है, मेरी बरादरी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, असी मुसलमान सब तो पहलो साडी ये बरादरी है,
और अल्लाह की कसम जो रिश्ता ताल्लुक है ना, ये खूनी ताल्लुक तो भी ज्यादा बड़ा तो ज्यादा मजबूत है। अल्लाह सानू हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो वो कौवा मेरी सरकार का मौजा लेके उड़िया और उत्ते जाके उन्हें मौजा जो पलटिया ना तो ये एक सप जमीन से गिर गया, मौजे एक सप गिर गया। सहाबा हैरान हो गए। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने एक कौवा मेरा मुहाफिज बन के आ गया, इन अल्लाह ने कलिया कि मेरे नबी पता नहीं मौजे में की है, लिहाजा कितने सब नुकसान ना पहुंचाए। मेरे पाक पैगंबर ने सलाम दिया हिफाजत वास्ते अल्लाह ने अपनी मखलूकात को मामूर कर दिया। मेरी सरकार फरमाया करते लोगों इंसान तो इंसान रह गए, दरिंदे तो दरिंदे रह गए, दरिंदे तो दरिंदे रह गए, जिन्हों के अंदर चांद नहीं ना और पत्थर भी जानते हैं कि मैं मुहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी हूं। फरमाया इन्नी लआरिफ हजर बिमक्का, मैं आज भी मक्के के उस पत्थर को जानना हूं। इन्नी लआरिफ हजर बिमक्का, मैं आज भी उस मक्के के पत्थर को जानना हूं। अल्लाह के रसूल केड़ा पत्थर? फरमाया जब मैं उन्हें कोलों की लगदा ना युसल्लिमु अलैहा, इन्हें समझ आई जरा बोलो सुभान अल्लाह। पत्थर दे कोलों लगदा ते पत्थर मैनू सलाम करया कर, मैं गुजरता पत्थर का तगैर तबदल पत्थर की निकी निकी हरकत दस दी, ये पत्थर अपनी मोहब्बत मेरा इस्तेमाल कर देता है। सुभान हजरत सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जनाबे जाबिर कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल सलाम के नाल मदीने के मज़ाफात च ते सरकार ने कज़ाए हाजत वास्ते जाना है ते कोई लुक नहीं यानी कोई ओट नहीं, छुप के बैठने की जगह नजर नहीं आ रही। एक बूटा है एक फासले पे, दूसरा बूटा है दूसरे फासले पे। सही हदीस है इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत करते हैं सरकार गए हजरत जाबिर रावी ने रजी अल्लाह तआला इधर वेखिया जे लुक के बैठ की जगह नहीं, सरकार ने कज़ाए हाजत वास्ते जाना है। नबी पाक अलैहि सलाम गए ते पौधे की टहनी नूं पकड़िया ते इहनू खिचिया, कहिंदे ने पौधा नबी पाक दे मगर इंज तुरिया जिवें किसी ऊंट की नकेल फड़ के खिंचो ते मगर तुरन लग पिया। दूसरे पासे के दूजे पौधे नूं खिचिया वह भी सरकार दे मगर तुर पिया, दोवें पौधे जुड़ गए ना ते लुक के बैठ की जगह बन गई। मेरी सरकार गए कज़ाए हाजत वास्ते मैं कुर्बान जावा दरख्तों ने पहचाने। पाक पैगंबर अली सलाम जदों बचपन के अंदर अपने खानदान के नाल सफरे तिजारत से शाम चल गए उलामाए किराम बैठे ने पूछो शाम के सफर से रस्ते के अंदर एक इलाका इतने बहुत बड़ी सराय सराह बनी, मेहमान पड़ाव डालते हैं खाते पीते ने रुकते ने फिर अगे का सफर शुरू करते हैं। इधर करीब एक बहुत बड़ा राहिब रहता है जिदा बड़ा चर्चा है बड़ी शोहरत है बहुत बड़ा अदियान दा आलिम है दीगर दीना दा हुलू उहदे कोल मौजूद ने और बड़ा नामवर आदमी है। इहनू लोग मिलन की ख्वाहिश करते हैं पर आम तौर पर यह लोगों को नहीं मिलता। टाइम नहीं कुरैश का काफिला तिजारत का जदों भी शाम जाता इतने रुकता एक कदी ना मिलिया, तस्करे बड़े होने लोग मिलन दे देखण दे ख्वाहिशमंद होने। एक दफा इस काफिला तिजारत के अंदर कारवाने तिजारत के अंदर मेरा कमली वाला महबूब नाल गया, राहिब नूं इतलावा मिलिया अपना सब कुछ छड़ छुड़ा के सराय से पहुंचिया ते लोगां दियां जनाब लोगां दा चप कटा पिछे पिछे हटांदा लगा जा रहा है। लोग बड़े मुताज्जिब ने जिहड़ा कदी जानते भी किसी नूं ना मिले अज इस काफिले नूं मिलन क्यों आ गया। लोगों नूं पिछे करदा करदा मेरी सरकार नूं जाके मिलदा है, पाक पैगंबर दा हथ पकड़िया कहण लगा लोग ऐ जिहड़ा बच्चा है इहनूं अल्लाह ने दोवां जहानां वास्ते रब बना के दित्ता है, ये बड़ी अजमत ते शान वाल है, मैं इहनूं इहदे कंडे दे पिछे इक निशान ही उहदे कोल पहचानदा मैं इहनूं जानदा।
लोग कहने लगे तू इतनिया बड़िया बातें किवें कर रहा है, कहने लगा मैं दलील भी देंगा पर अज दोपहर का खाना तुहाडा सारिया का अज तुहाडी दावत है, मेरे को दावत खान आयो। सारे कुरैश वाले टुर गए, राहिब नजरां दौड़ांदा है कि वह कित्थे गया, वह कित्थे गया जिहड़ा सारिया पहाड़ां दे उत्ते आके गालिब आ गया, जिने कायनात का नक्शा ते अंदाज बदल दिता, जिदे आउण दा दुनिया दे रंग ते ढंग बदल गए, वह कित्थे आ। कहण लगे वह बच्चा ते ऊंठां नूं चराण गया है, ऊंठां ते मगर गया है। कहण लगा नहीं उहनूं लैके आ, मेरी सरकार नूं लैके आए। इन्हें सारे काफिले सारे मेहमानों एक बहुत बड़े दरखत के नीचे बिठाया, मेरी सरकार जो आ रहे सन तो सख्त दोपहर के गर्मी की शिद्दत का वक्त है, कोई छां नहीं, मेरे पाक पैगंबर तुरे आ रहे हैं ते उत्ते उत्ते बदली का एक टुकड़ा मुस्तफा के सारा घर का तुरे आ रहा है। कहन लगा मेरे को दलील मंगते सो, उधर वेखो की बनता जुड़िया। मेरी सरकार आके दरखत के थले बहन लगे ना, छां विच बैठ नूं जगा जगह नहीं बची, पाक पैगंबर धुप्पे बह गए पिछे बह गए। इस दरखत की एक टहनी ने झुक के मुस्तफा ते सारा कर दिया। कहन लगा मेरे को दलीला मंगते सो, उधर वेखो की बनता नहीं पिया, इन शाम ना लैके जाए, ईसाइया नूं पता लग गया इनू कतल कर देंगे। अल्लाह गौर करो, दरख्तां ने पहचाने जा पत्थरां ने बोलो। हजरत सफीना जंगल च गए, शेर ने शेर आ गया, शेर हमला करन लगा, कहने शेर या ए शेर अना मौला रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का साथी हाँ, मैं अल्लाह के रसूल का यार हाँ, मैं नबी पाक का दोस्त हाँ। शेर झुक गया, सिर अपना मेरे कदमों च झुका दिता, दुम हिलान लग पिया। अल्लाह की कसम जंगल जंगल का परिंदा पहचान गया, भेड़िए पहचान गए, परिंदे पहचान गए, ऊंट पहचान गए, दरख्त पहचान गए, पत्थर पहचान गए, आसमान का चंद पहचान गया, कौड़े खून का पानी पहचान गया। अल्लाह की कसम अल्लाह की जमीन से अल्लाह की हर मखलूक ने कमाईयां दित्तियां कि मुस्तफा अल्लाह का सच्चा नबी है, पाक पैगंबर दियां अजमतां ते शानां नूं पहचानिया। और जिहड़े इंसान ने ना उन्हां नूं चुके पहचान अल्लाह ने इलम दे जरिए अता कीती, ते सब तो पहलो अल्लाह ने दुनिया के इंसानों के विचों जिस तबके नूं अपने मुस्तफा का तारुफ करवाया, कबली वाले दियां शानां का चर्चा कीता, उह तबका रब दे नबियां दा। सब तो पहलो कबली वाले नूं किने पहचानिया, अल्लाह दे नबियां खालके कायनात ने जमा कीता और नबियां नूं एक वाज फरमाया। अल्लाह दा कुरान ने फरमाया वा इज अखद अल्लाहु मीसाकन नबी, वा इज अखद अल्लाहु मीसाकन नबी लमा आतैतुको मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्न क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिन अश्शाहिदीन। हल्के कायनात ने जमा के अंबिया जमा किया, फरमाया मेरे नबीओ ए मेरे रसूलो जो मैं तुहानू किताबा शरीयत हिकमत नबूत अता कर देना, फिर मेरा आखिरी रसूल आ गए सुन जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा मअकुम तुहाडी सारिया की तस्दीक करन वाला होए, ओदे आउण तो बाद ए मेरे नबीओ लतुमिनुन बिही ओदे आउण तो बाद मैं तुहानू भी कह रहा तुसा भी कलमा मुस्तफा दा पढ़ना, ऐ मेरे आदम जी ऐ मेरे नूर जी ऐ इब्राहिम खलीलुल्ला ऐ मूसा कलीमुल्ला ऐ ईसा रूहुल्ला ऐ इस्माईल ज़बीहुल्ला ऐ मेरे कमों पे सवा लख प्यार की जमात न
ਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸਤਫਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਪਾਇਆ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ दो फरिश्तियां दे परां ते सवार होके नाज़िल होणगे नमाज दा वक्त होएगा इमाम मुसल्ले ते खलोता होएगा सफा पड़ चुकियां होणगियां जनाबे ईसा दे साथ और दाढ़ी दे बालां दे अंदर पानी दे कतरे चमकदे होणगे जिवें कोई बंदा गुस्ल करके या वुज़ू करके आए लोग पहचान लैणगे जनाबे ईसा ईसा अलैहि सलाम आ गए ईसा अलैहि सलाम नूं रस्ता दिओ सफा दे विचों रस्ता छोड़ो ईसा नूं मुसल्ला इमामत ते पहुंचाओ क्यों आइए जनाब साडी इमामत करवाइए अल्लाह दे नबी ईसा जी मुसल्ला इमामत ते पहुंच के सानूं नमाज पढ़ा दिओ जनाबे ईसा फरमान दे लोगो मैं दुनिया दे अंदर दोबारा आया ते जरूर आ दुनिया दे अंदर अल्लाह ने मैनूं दोबारा चलाया ते जरूर है पर सुन लो हुण ईसा दुनिया दे अंदर इमाम बन के नहीं आया बल्कि आमिना दे लाल दा गुलाम बन के आया है ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਮਨਵਾਈ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲਤੁਮਿਨੂ ਨਬੀ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਪੜਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨ ਉਹ ਸੈਦਨਾ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਉਰਾਕ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਏ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਉਰਾਕ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਰਾਕ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਖ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਵਰਤ ਕਰਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਮਹਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਾ ਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁਤਗਈਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਬ ਪਾਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਅਮਲ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖ ਠੱਪੇ ਤੇ ਮਾਦਰਤ ਮਾਦਰਤ ਖਾਹਨਾ ਨਾਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਨਾ ਸੰਭਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸੰਭਿਆ ਬਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਇਹ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਹਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੌਰਾਤ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਦੀ ਨਜਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
जे मेरा मुत्तबे बनदा जे मेरा ताबे फरमान बनदा मैं कुर्बान जावा पैगंबरां दे कोलों वादे ले नबियां दे कोलों इज्जत मुस्तफा अज़मत मुस्तफा दा इकरार लिया लतु मिनु नबी वाला तन सुरला वाला अकरार तुम वाखर तुम आला दालिकुम इसरी कालू अकरार ना काला फशादू वाना मागू मिन शाहिदी और मेरे बुजुर्गों ने तर्जमा कीता है हजरत शेख कुरान दिया बोलियां रहमतुल्लाह ने फरमाना ऊंची शान वाला ऊंची आन वाला ऊंची शान वाला ऊंची आन वाला सानू खबर ए मिली पैगंबरां तो ऊंची शान वाला ऊंची आन वाला सानू खबर ए मिली पैगंबरां तो जिमी वालियां दी की गल करनी शान लंघ गई अगे अंबरां तो जिमी वाले जे पूरी तवज्जो करोगे फिर गल समझ आ जिमी वालियां दी की गल करनी शान लंघ गई अगे अंबरां तो और जिदी नहीं मिसाल जहान अंदर जिदी नहीं मिसाल जहान अंदर कोई निकल वेखे बार अंदरा तो आ जड़े अंदर असा बनाए ऐ साडा अंदर है ओ तुहाडा अंदर है साड़ी तुहाडे पिछे नहीं आउंदी तुहाडी साडे पिछे नहीं आउंदी ओ उस बरादरी दी मसीह ओ उस मसलक दी मसीह उस पिंड दी मसीह अल्लाह दी कसम है कदी ना अंदरा चो बाहर निकल के वेखो ते सही ऊंची शान वाला ऊंची आन वाला सानू खबर ए मिली पैगंबरां तो जिमी वालियां दी की गल करनी शान लग गई अगे अंबरां तो जिदी नहीं मिसाल जहान अंदर सुनियो भाबियो ते अपनी जिदी नहीं मिसाल जहान अंदर कोई निकल वेखे बार अंदरा तो हुसैन हो रसूल दी मिली जिसनू वेखा कौन वदे ओदे नंबरा तो जिन्हों कमली वाले की नस्बत नसीब हो गई अल्लाह की कसम वो नंबर लै गया वो नंबर लै गया सौ बटा सौ ही लै गया मैं कुर्बान जावा रब्बे कायनात ने वो मुकाम फजीलत अता की थी पैगंबरां दे कोलों इकरार लिया है पैगंबरां दे कोलों वादा लिया कदी हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इसे आयत मिसाल दा तर्जमा करना अदरा गौर करिया जे फरमाना तुसा आप ही फैसला प्रौने बहुते आ गए ने अल्लाह खैर करे अल्लाह इन बहारा हमेशा कायम रखे अल्लाह इन मोहब्बतों मंजूर भाई राणा अब्दुल्लाह साहब अल्लाह तुहाडियां मोहब्बतां कबूल फरमाए ये बहारां लगियां ने अल्लाह इन्हां दे अंदर इज़ाफा फरमा अल्लाह ये मोहब्बत और प्यार दी फिज़ा अल्लाह कमली वाले दे गुलामां दा ये ताल्लुक मजीद मजबूत फरमा दे औरा गौर करे आदे फरमाना तुसा आप ही फैसला कर लेना ए मजलस खासा अमानी अल्लाह दी कसम नबी नी नी आपा के खलोते आलू अकरना अल्लाह मुस्तफा दे आ जान तो बाद असी अपनी नबूवतां दे मुसल्ले चुक लवांगे अपनी रिसालतां दे सिक्के बन कर देंगे अल्लाह असी अपने तीन शरीयतां नहीं चलावांगे पैगंबरां दा इकरार है जिथे नी पाले नबिया ने की रह गई गल इमाम दी अल्लाह दी कसम हर इमाम काबले इत्तेराम हर इमाम काबले इज्जत हर इमाम काबले अकीदत हर इमाम काबले इत्तेराम पर काबले इताअत कल्ला आमिना दा लाल जिथे नी पाले नबिया ने की रह गई गल इमाम दी अच्छी मिले हुजूरी आका दी ओनू की लोड़ गुलामा दी आमन हदीस आमन हदीस पैगंबर दी तेनू अजमत मिले सलामा दी
اللہ دی قسم اے حدیث مننا او عزت اے جڑی عزت امام پاک اے ہر امام ہر فقیہ ہر محدث ہر محقق ہر مفسر ہر مدبر ہر خطیب ادیب اسلام دا ہر جناب خادم ہر عالم ہر فقیہ امت دا ہر بڑا پاک پیغمبر دے آنکھے لگ کے رب دے کولوں عزتاں دے تاج پا گئے پیچھا نہ رہ جایا جے آج عزتاں سمیٹ لو انبیاء خواہش کردے نے پے اللہ کملی والے دی امت وچوں ہی بنا دے اللہ دے نبیاں دیاں خواہشاں اللہ کتے دیدار ہی کرا دے سونے رسول دی ملاقات ہی نصیب کر دے میں قربان جاواں رب کائنات نے ہماری فتح کیتی پاک پیغمبر کی اللہ نے ہر مخلوق نو پہچان عطا کیتی ہر مخلوق نو تعارف کروا دیتا ہے ہر ایک نے پہچان لیا ہے تے کلمہ پڑھن والے نے پہچانے کلمہ پڑھن والے دی کی کیفیت ہے اللہ دی قسم پرندیاں نے پہچانے آ پرندیاں نے پہچانے آ درختاں نے پہچانے آ پتھراں نے پہچانے آ زمین تے رینگن والے حشرات و نباتات نے پہچانے آ اللہ دی قسم پانی دے اندر زندگی بسر کرن والے جانوراں نے پہچانے آ پانی نے پہچانے آ مصطفیٰ دا لعاب کوڑے خوچ جاندا پیا پانی جاندا لعاب کیتا ہے اللہ نے وہ معرفت مخلوقات نو عطا کر دیتی ہے اگر نہیں پہچانے آ تے کلمہ پڑھن والے نے مصطفیٰ دی نسبت اختیار کرن والے نے پاک پیغمبر دا امتی کہلان والے نے نہیں پہچانے آ کملی والے نو سونا مند ہے پر سونا بندا نہیں سونا مند ہے پر آپ سونا بندا نہیں پاک پیغمبر نو سچا مند ہے پر آپ سچا بندا نہیں نبی پاک دا کردار سچا مند ہے اپنا کردار سچا بناندا نہیں مصطفیٰ دی تجارت پاک مند ہے اپنی تجارت نو پاک کرتا نہیں نبی پاک دیا خوشیاں اعتدال والیاں مند ہے اپنی خوشی اندر اعتدال رکھتا نہیں پاک پیغمبر دیا غمیاں صبر والیاں مند ہے اپنی غمی دے موقع تے صبر کرتا نہیں کلمہ پڑھی ہے پر مصطفیٰ نو جنہیں پہچاننا سی پہچانن دا حق سی معاف کر چھڑیا جی اونج پہچانیا اللہ مصطفیٰ دی سچی پہچان رکھتا کملی والے دی سچی معرفت نصیب فرمائے آمین اچھی کہہ لو اللہ دی قسم دا کوئی پھڈا نہیں جے آمین کہہ لو آمین اے مانا کی یا اللہ ساڈیاں دعاواں قبول کر لے آج اے دعائیں دعائیں لڑیاں نہ کرو پاک پیغمبر دی سنت ہر قدم تے اپنان والے بن جائیے اللہ جی میں بیٹھے نے سارے دے راضی ہو جائے اللہ تیرے دین دا خادم اللہ تیری سرکار تیری محبوب دا ایک ادنا جیا غلام کملی والے دا نکا جیا نوکر یا اللہ سفر استحان اللہ دعا کرنا پہ قبول کریں یا اللہ جن نے آئے نے نبی دلا دیا ساری میری کوڑا دا پھول رب تو میرا دل لگایا جی میں قربان جاواں خالق کائنات نے او مقام عطا کر دیتا ہے میرا مالک اعلان کر رہا ہے محبوب کائنات علیہ السلام سے گفتگو دی گل کرن لگے ہاں فرمایا محبوب سنیا اے جنہ فضل اے جنیا رونقاں نے اے جنے پروانے گرد جمع ہوئے نے محبوب جی ایدی سب تو بڑی وجہ کی ہے فاب ما رحمت من اللہ لنت لہم اے میرے پاک پیغمبر اے جنیاں بہاراں لگیاں نے سونیا اے جنہ رب دا فضل کرم نظر آ رہے ہے اے سارا تا ہویا محبوبا کہ تہاڈی زبان نرم ہے اور اگر تہاڈی زبان نرم ہے اے تیرے رب دا تیرے اوتے کرم ہے محبوبا زبان دی نرمی تہاڈے رب دا کرم ہے ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فزوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاور هم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قربان جاوا پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان دی بولیاں رب کائنات نے ایسیاں رحمت والیاں بنا دتیاں رحمت تے آپ تے ہے ہی نہیں فرمایا زبان بہت ہی رحمت ہے اے میرے محبوب پیغمبر اس زبان دی مٹھاس اس زبان دی حکمت اس زبان دا پیار تے محبت اس زبان دی ہمدردیاں محبوب میری رحمت ہے جے زبان کوڑی ہوندی تہاڈا دل سب ہوندا اے بہاراں کدی نہ لگدیاں
ابو بکر صدیق تو لے کے بلال تا شمع نبوت دے پروانے ابو توفیل توفیل توسی تک اے کدی گرد جمانا ہوندے جے دل چخت ہوندا زبان کوڑی ہوندی اے سارا انقلاب کا ہے میرے بزرگاں دا ترجمہ حضرت شاہ خسرو دی محبت دے موتی فرمانا او دی ایک اکلڑی جان سی او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جان سی پر سچی گل تے میٹھی بول چھڑے آجے سچی گل تے میٹھی تے ساڈیاں زبان سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا جنہ نہیں منیا او ذلیل ہوئے سونا پتھراں نو کلمے پڑا گیا قربان جاوا رب کائنات نے دوائیاں دوائیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت عبداللہ بن سلام آئے رضی اللہ تعالی یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے مسلمان اجے نہیں ہو پوچھ دے پوچھا دے پہنچے نا نبی پاک علیہ السلام دا پوچھا سا پہنچ کے اکا سامنے تشریف فرما نے جناب عبداللہ بن سلام آئے نا کہندے نے سب تو پہلو کہ جدوں میرا دھیان کملی والے وچ تے بلانا اوتھیاں نے واللہ نہیں سب بس کذاب مینوں اللہ دی قسم اے آ چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکدا دل مان گیا لیکن علم دے اوتے پھر بھی اعتبار ہے علم تے ناز ہے نا میری سرکار دی مجلس سے آ کے بیٹھ گئے کہنے لگے جی میرا نام عبداللہ بن سلام ہے تے سرکار صاحب نو بیان پتہ کی کر رہے سن افش السلام وطعم الطعام یہ اس موقع دی روایت وصل الارحام وصلو باللیل والناس نیام سلام عام کر دیو اب ابھی دیو بندیاں نو سلام کریا کرو ادیو بندیاں بریلویاں نو سلام کریا کرو مسلمانوں سلام عام کر دیو وطعم الطعام بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو وصل الارحام رشتے توڑنے نہیں بلکہ رشتے جوڑیا کرو وصلو باللیل والناس نیام جب لوگ رات کو سو چکے ہوں لوگ اپنے بستروں پہ خراٹے لے رہے ہوں تو مسلح بچھا کے رب سے کال ملا لیا کر اللہ سے پیکج لگا کے لبی باپی شروع کر لیا کر رات کو قیام رات کو کھڑے ہو کے عبادت کریا کرو نبی پاک علیہ السلام نے عبادت فرمایا حضرت عبداللہ کا دل ہل گیا ایسی معاشرتی تعلیم ایسی محبت کا پیغام ایسی کھڑیاں باتوں میری سرکار دی مجلس سے بیٹھے کہنے لگے میں بڑی سمجھ آ گئی پر پھر بھی میں ایک دو گلاں پوچھن جانا ہے میری سرکار اندر جی پوچھو کی پوچھنا ہے کہنے لگے جی قیامت دی سب تو پہلی نشانی کی علامات کبرا ادیان دا بڑا مطالب اور تورات انجیل دیگر کتب سماویہ اور دیگر دنیا دے علوم بہت بڑا جن کے عالم عبداللہ ابن سلام قیامت دی پہلی نشانی دوسرا میرا سوال ہے کہ بچے جدو پیدائش ہوئی ہے تے کدی بچہ باپ تے شکل تے کدی بچے دی شکل ماں تے اور تیسرا میرا سوال ہے جنتی جدو جنت چ جان گئے تے سب تو پہلو انہاں دی مہمان نوازی کدے رکھی جائے یہ سوال اس تو پوچھے کہ انہاں سوالاں دا جواب کوئی دے سکدا ہے جڑا اللہ دا نبی تو علاوہ کوئی جواب نہیں میری سرکار مسکرائے فرمایا ہن ہی منہ دسن والے نے دس دیتے ہیں قیامت کی سب تو پہلی بڑی نشانی آگ کو ہوئے گی آگ جڑی لوگوں کو ساری دنیا جو اکٹھا کر کے میدان محشر کے اندر جمع کرے گی اور دوسری جڑا تسی سوال کیتا ہے جنوں تخلیق دے اندر نر دا پانی ماتا دے غالب آ جائے بچے دی شکل نر تے ماتا دا پانی نر تے غالب آ جائے بچے دی شکل ماتا تے اور تیسرے تواڈے سوال دا جواب اے وے جدوں جنتی جنت دے اندر تر جان گے نا سب تو پہلی مہمان نوازی مچھلی دا جگر بھن کے اللہ نے بھیجے اللہ ایک کھوائے گا پاک پیغمبر نے اجے گل مکمل نہیں کی تھی عبداللہ بن سلام کہنے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں قربان جاواں محبوب کائنات علیہ السلام نو منیا اللہ دی قسم یہودیاں نے منے
پاک پیغمبر علیہ السلام نو تورات دے علماء نے منیا انجیل دے علماء نے منیا کیوں کتاب آئی نبی موسیٰ تے فضیلت آئی سونے مصطفیٰ دی کتاب آئی نبی عیسیٰ تے علمت بیان ہو رہی ہے سونے مصطفیٰ دی اور صرف پاک پیغمبر دی فضیلت نہیں کتاب آئی نبی داؤد تے تر زبور دے اندر فضیلت بیان ہو رہی ہے ابو بکر صدیق دی کتاب آئی موسیٰ تے تورات دے اندر عظمت بیان ہو رہی ہے عمر بن خطاب دی تورات آئی نبی عیسیٰ تے فضیلت بیان ہو رہی ہے جناب عثمان تے علی دی پاک پیغمبر دے یاراں دے تذکرے مصطفیٰ دی پاک اولاد دے تذکرے پاک پیغمبر دے گھر والے اہل بیت اطہار اصحاب دا ذکر ہے محبوب دی ازواج دے تذکرے محبوب دی سنگتاں یاریاں دے تذکرے انہاں یاراں دی وفاداری دے تذکرے تورات دے اندر انجیل دے اندر میرا مالک خود قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل پاک پیغمبر دے یاراں دے تذکرے کتے میرا مالک اعلان کر رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل کتے میرا مالک اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل میرا محبوب تے کتے رہ گیا میری سرکار دے وفادار یاراں دے تذکرے بھی نبی موسیٰ تے نبی عیسیٰ دی نہ کتاباں وچ جناب دے کر چکے جائے اس تو بعد کی رحمت کیا ہوئے گی انبیاء دے اور والیاں کتاباں تذکرے ساڈے نبی دے تے نبی دے سونے یاراں نوں کہو سبحان اللہ بے کہنا اپنی پہچان کروائی حضرات را غور کرے آجے پاک پیغمبر دے کول عیسائی آئے اپنی اپنی کتاباں دے بڑے بڑے آر سب تو پہلو برکہ بن نوفل نے پہچانے جانے عیسائی ہے اپنے دین دا بہت بڑا عالم ہے حضرات یہودیاں دے عالم عبداللہ بن سلام ہے ایک دن ایک حکیم آ گیا کہنے لگا اے محمد انہیں بھی نہیں جی کہنا ہے تو ایسا ہی کہنا ہے نظرہ پڑھو خا صلی اللہ ہو ایک بری پھر پڑھو صلی اللہ سارے پڑھے تو سا میرے کہن تے درود پاک پڑھے آنا تے بڑھیا پتا کی اللہ نے 10 نیکیاں ادا کر دیتی ہیں 10 گناہ مٹا دیتے ہیں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں ایک بری پھر پڑھو درہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کہنا کہ جی میں حکیم ہوں میرا نام ہے زماد ازدی زماد ازدی میں حکیم دیا میں عالم دیا میں عامل دیا تے مینوں پتہ لگا تہانوں لوگ مختلف گلاں کردے نے کوئی آندا ہے تہانوں دماغی مسئلہ ہے جنون دی بیماری تسی مجنون ہو کوئی کہندا تسی جادو زدہ ہو کوئی کہندا تسی جسمانی بیمار ہو کوئی کہندا تسی روحانی بیمار ہو کوئی آندا تہاڈے تے جادو کوئی آندا شیطان دا غلبہ ہے تے محمد مینوں تسی اپنی بیماری دسو اپنا مسئلہ دسو جیسی بھی بیماری ہو میں تہاڈا علاج کر کے جاواں میری سرکار کہنے نے حکیم صاحب آگے ہونا تو پھر ایک بری سوئی لگو ذرا میرا مسئلہ کی ہے میری بیماری کی ہے میری پرابلم کی ہے جڑی تہانوں لوگ دس دے ذرا سامنے پہ جائے تو سن لو پاک پیغمبر گل کرن لگے پہلے میری سرکار نے خطبہ پڑھیا ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله हकीम हिल के रह गया कहन लगा है अजय मेरी सरकार ने खुतबा पढ़िया अलावाज शुरू नहीं किया हकीम कहन लगा ये कलाम इतनी पुरसर है ये कलाम किसी इंसान की नहीं ये गल्ला किसी आम इंसान दिया नहीं ये गल्ला समुद्रा दे पानिया दे अंदर तुरियानिया पैदा कर सकदिया ने ये गल्ला पहाड़ ला सकदिया ने ये गल्ला समुद्र ला सकदिया ने ये भी कल एक बार फिर सुनायो मेरी सरकार दोबारा खुतबा पढ़ते फिर सुना दे दूजी वरा मेरी सरकार खुतबा पढ़ते ने पे ते पढ़ते पढ़ते जो मेरे आका कलमा शहादत ते पहुंचे ने मेरी सरकार इस मुकाम ते पहुंचे जो शहादत दे लफ़्ज़ पढ़े ने और मेरे आका कल्ले नहीं पढ़ते नाल हकीम भी पढ़ते अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कुर्बान जावा इस सुभान मेरी सरकार दी बड़े बड़े इलम दे दावेदार आए कमली वाले दे गुलाम बन गए बड़े बड़े जनाब मुनादिर आए महबूब दे खुतबे अगे बेबस हो गए पाक पैगंबर की जुबान है तासीर जुबान है वही इलाही दी तर्जुमान है और जुबान है जिदे उत्ते जारी रब दा फरमान है और ये सारा ही बन गया कुरान है ये कमली वाले दी सच्ची जुबान है ना कुर्बान जावा लोगो हकीम उठिया हकीम सिर झुका गया मुस्तफा दा गुलाम बन गया फिजा मुस्कुरा पई वाह हकीमा इलाज कराना है ते अपना करा के जाने है अपना इलाज करा के गया मेरे पाक पैगंबर अली सलाम नु अल्लाह दी कसम मनेया यहूदियां दवाइयां दितियां ईसाइयां दवाइयां दितियां जिन्ने आसमानी किताब पढ़ी ते उन्हें इलम हासिल कीता कमली वाले दी अजमत दा इकरार करन तो बगैर रह सकिया और ज्यादा दूर की जाने अमेरिका दा एक बहुत मारूफ साइंसदान डॉक्टर माइकल हार्ट माइकल एच हार्ट उन्हें किताब लिखी दुनिया दे 100 मोस्टर तरीन आदमी और किताब है अंग्रेजी दे द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन दुनिया दे 100 मोस्टर तरीन मजबूत तरीन आदमी ओदा इत्तेदाया लिखिया ना मुकदमा कहंदा मैं बड़े-बड़े नबियां नु पढ़िया मैं बड़े-बड़े फाते ते बादशाह पढ़े सिपा सनाज पढ़े साइंसदान पढ़े दुनिया दे बड़े-बड़े वजीर ते कामयाब इंसान पढ़े इन्हां दे विचों 100 इंसान दी हिस्ट्री नु मैंने किताब की सूरत के अंदर जमा किया और मैं तरतीब लाने लगे हाँ 100 बंदियों के विचों सब तो पहले नंबर ते किदा नाम लिया मजहब के एतबार नाल ईसाई ते पेशे के एतबार नाल साइंसदान साइंसदान इन्हें जे मैं अपने मजहब वाल वेखदा ते सब तो पहला नाम किदा नबी ईसा दा जे मैं अपने पेशे वाल वेखदा ते सब तो पहला नाम अपनी किताब माई चॉइस ऑफ मुहम्मद कलमा पढ़न वाला नहीं बोलिया ईसाई बोलता पिया मुहम्मद एक बार गूंज पा दियो मुहम्मद
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons. May surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history. Oh Madine wale, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular levels. Kehne laga main mazhabi tabke padhe, main secular tabke padhe, main duniya ke fatih padhe, main anbiya padhe, लेकिन मैं मजबूर हो गया हर एतबार के नाल पूरी कायनात के अंदर अगर कामिल और अकमल कोई जात है तो उसका नाम मोहम्मद। सारे नहीं बोले, मैं ठंड कोई नहीं पई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत शेखुल सरकारी साहब हजरत शाह जी राम हजरत शाह जी अब्दुल्ला तशरीफ फरमा हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह जब हम तर्जमा करना अपने महबूब की इज्जत अजमत दी बोलियां सुनानियां तो पता की कहना सताई चक दे कलमा को मुसलमान हो अल्लाह की कसमे जो बोलता है एटा बोलते बोली कोई नहीं सकता होवा अफसर बेमुकाले ही होवा अकमलो बेनवाले ही होवा आजमो बेचलाले ही होवा अफकदो बेमिसाले ही होवा अफकदो बेमिसाले ही होवा अफकदो बेमिसाले ही वो बशीर भी वो नजीर भी भाई अब्दुल्ला साहब इधर मेरे आ रहना वो बशीर भी वो हब्बते मोती समेट लो वो बशीर भी वो नजीर भी वो आप अपनी नजीर भी वो जमीन पे शाह अमीर भी वो फलक पे अर्श मसीर भी वो कसीम भी तड़प जाओ वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो खलील भी वो कलीम भी वो रऊफ भी वो रहीम भी वो रऊफ भी वो रहीम भी उन्हें खुद बोला के खुदा मिला उन्हें खुद बोला के खुदा मिला उन्हें मर्तबा ये बड़ा मिला उन्हें क्या दिया उन्हें क्या मिला जो दिया दिया जो मिला मिला सल्लू अलैहि व आलिही पैगंबर का दीवाना बन जाता है अल्लाह की कसम उठा के कहना एक साहबी कहिंदे एक दिन पाक पैगंबर के पैर वल वेखिया अंगूठे दे नाल जिहड़ी पहली उंगली है सोने मुस्तफा दी अंगूठे दे नाल दूसरी उंगली थोड़ी जी लंबी अंगूठे तो मामूली जी अगे बड़ी कह लगा एक बार ध्यान पिया मुस्तफा दे पैर दे अंगूठे दे नाल दी उंगली ते मेरी मौत तक मेरी जिंदगी दे आखिर तक पाक पैगंबर के दुनिया तो जान तो बाद तक मैनू उस उंगली का हुस्न भी नहीं भुलिया पैर दे उंगली का हुस्न भी नहीं भुल सकिया मैं कुर्बान जावा किसे चेहरा वे है गवाहियां दे दित्तियां अज जेड़ा झूठे दा नहीं हो सकदा रात्रा गौर करो एक दिन मेरी सरकार ने व्यापारियों को एक भारू खरीदया सौदा हो गया फरमाया और सामने बस्ती रही नहीं मेरा उठे घर है मेरे नाल आ जा तेरा मेरा सौदा तय भारू का तय हो गया हाँ मैं तेन पैसे दिया उसे मेरा घर है मेरी सरकार ने मगर अपनी सवारी की रस्सी फिर से तुरया होंगे राज बंदा पूछता भाई जानवर बेचना है कणगा बेचना नबी पाक ने सौदा हो गया कहना बेचना है पैसे लेने जा रहे हो सामने मेरा घर है बस्ती कह लगा जी केड़ा सौदा कोई सौदा नहीं होया हजरत जरा गौर कर मैं मनन वाले तो ही सदके जाऊंगी कहना कोई सौदा नहीं होया आका की सलाम हैरान हो गया अल्लाह के बंदे तेरा मेरा इन्ने च सौदा हो गया वो बाद अला गाहक वध पैसे देता
उधर माइल हो गए, कहने लगा जी मेरा थोड़ा सौदा है, गवाह लैके आओ, बंदे लैके आओ। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हैरान, अल्लाह दे बंदे आ जदों तेरा मेरा सौदा आया उदों उत्थे कोई बंदा मौजूद हो? बंदा तो है कोई नहीं, मैं गवाह कित्थों ले आऊं? कहना जी तुहाडा मेरा सौदा होया नहीं। आ वेखो किड्डा सोहना बंदा है, ते मेरे नाल गलत बयान नहीं कर रहा। नबी पाक दे बारे ना रौला पा दिता, बाजार बंदे इकट्ठे हो गए, मंडी लगी। कहने लगा जी तुहाडा मेरा सौदा है, ते गवाह लैके आओ, मैं कुर्बान जावा। लोग जमा हो गए, एक साहबी ते शरीफ ने पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल गवाह कोई नहीं, अगे बढ़ के कहते हैं जनाब जो तुहाडा इन्हां नाल सौदा है सी मैं कोल सां, जिन्ने ची तुसीं कह रहे हो ना उन्ने ची तुहाडा तेरा सौदा होया। मैं इस गल दी गवाही देता, उस व्यापारी नूं जानवर पकड़ाना पिया, आपने कीमत अदा की, टुर गया। आप परवाने परवाने जो मेरा तो उहदा सौदा नहीं सी होया, तू तो उहदे कोल नहीं सै, फिर इह तू गवाही किवें दे दित्ती? कहण लगा जी इह ते सौदा है ना, असां ते तुहाडे कहण ते रब मन्ने आ। जन्नत वेखी नहीं, तुसा क्या है? असा क्या बिल्कुल है? जन्नत नहीं वेखी तुहाडे कहण ते मन्नी, मेराज नहीं वेखी तुहाडे कहण ते मन्नी, अंबिया नहीं वेखे तुहाडे कहण ते मन्ने। जुबान जो जो भी निकलता है हक निकलता है, सच निकलता है। मनन वाले तो मनन वाले जो मने, अरे गल हो मुहब्बत सुनिया जे, देखने वाले नहीं मन लिया, जिन्हें सुनिया नहीं बस वेखिया कि मन लिया है। मेरी सरकार ने एक जानवर खरीदिया, फरमाया लोग रुक जाओ मैं तुम्हें पैसे लिया के देना, व्यापारी 3000 रुपये कर देने। पाक पैगंबर तुर गई नजर तोड़ चलोगे, एक दूजे को कोसन लग पे लिया भी ऐसा कारोबार कर लिया। अज नबी बंदा आया उन्होंने जानवर फड़ा दिता है, वह कहना खलो जो मैं तुम्हें पैसे लिया के देना। अल्लाह के बंदे उसका नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, कोई बंदा बतौरे जमानत नहीं लिया। जानवर फड़ा दिता है, रस्सी फड़ा दी है, जे वो पैसे लैके ना आया तो फिर की करांगे? तो कहना मैनू जो कोसना पिया तू भी तो नहीं ना पूछा? कहना मैं पूछता की, मैं तेन सही गल दसा, जो गल करता सी ना मैं तो मुख ही तकता रहा, मैं तो मुंह ही बेहतर रहा सोना। तो कहना मैं की पूछना है? मैं भी उसके बोलना का नसीब बन के रह गया, जो बोलता सी ना तो मैं किसी गल का ख्याल ही नहीं रहा। भालू फड़ा दिता है, हम कोसते ने पे हसते ने पे, मैं भी असं वाहवा सियाने निकले हैं, अज मैं भी आया वह चेहरा वेख के उन्होंने ना पता पूछिया ही नहीं, भालू फड़ा दिता। तो जे ना आया तो की करांगे? लागे खैमे इन्होंने काफले के सरदार की बीवी वडेरी आओ बाहर निकली, वे व्यापारी आओ कि गल तो बहस कर दे पे। कह लगे अम्मा ये किस किस्म का अज नबी आया, अस बस्ती वक्त हो गया जानवर लैके चला गया। कहना रुको मैं पैसे लिया के देना, हम फिक्र करने पे जे वापस ना आया तो कि पूछा गे? माई कह लगी परेशान होने की लोड़ नहीं, तुहाडे पैसे लैके जरूर आएगा। अच्छा अम्मा तुहानू जाननी है? कह लगी जानती तो मेरी नहीं, पर जो तुहाडे नाल सौदा करता सी मैं तां मुखड़ा तक नहीं सां, मेरा दिल गवाही देंदा है इहो जे चेहरे वाला झूठा हो सकदा। इतने सोने चेहरे वाला किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं कुर्बान जाव अज गल करते ने पे दो सहाबी आ साढ़े नबी पाक ने जानवर तुहाडे कोलों खरीदे जी, साढ़े को ए तुहाडे जानवर की कीमत है, अल्लाह के हबीब वालों खजूरा तुहाडे लिए तोहफे दे तौर ते आ गई। अल्लाह की कसम चेहरा तक के असीर हो गए, गुलाम हो गए। मौलाना शमशाम तर्जमा करन ते मजबूर हो गए, मैं सदके जोना मुखड़ा सुना दिया सुना दिया। आज मेरी तबीयत नहीं सी ठीक, गला बड़ा खराब सी, मैंने राणा आसम साहब बार बार मेरे भाई सर असी प्राणे चले हाँ अपने मुसलमान भरा दे कोल, ते वेखिया जे ऐसी मुहब्बत की बात हो जाए तो सारिया के दिल जुड़ जाए, ऐसिया मुहब्बत पै जा। मैं दुआवा करता करवादा इन्होंने को आया, अल्लाह अपनी रहमत फरमाए, रात अल्लाह का फजल होया मुहब्बत के ना तर्जमा समेटे आ जे सुना दिया। तुसी भी कुछ सुना होर सुनाओ, बाहर वाले भी सुनाओ, बाहर अंदर बात अजे नहीं आई, होर सुनाओ होर सुनाओ, सुनाओ। अच्छा
اللہ جان دے اب باہر کسی نو نکل کے پوچھو نا اور سناؤ وہ کہنا کی سنائیے خان لے گیا لے گیا خان لکھ ٹوٹ گیا تسی کڈے نصیبا والے تانوں کی نا اور سناؤ تسی کہندے ہو سبحان اللہ اور سناؤ سبحان اللہ گل سنی جے تے اٹھ کے لے پے گئے اونچی پڑھو मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखा ते कट जाए दुखड़ा होवे आरा दिल सुखड़ा थारे जाने ओखियां मेरियां एक मौली साहब ना आपदा बाद दे इन्हां जुमलियां नूं पढ़दे सन पए एक बंदा कहण लगा रजिए ते शाजिए ते भाभी ते शेर ने इहदे भाभियां ते बाबे दे शेर ने आंदे जिहदे वी ने पर गल बड़ी चस वाली सी गल्ला स्वाद आ गए मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखा ते कट जाए दुखड़ा होवे हरा दिल सुखड़ा थर जाने अखियां मेरिया जो सुपने आने केरिया कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी कोई तार कहे कोई बिजली दा लश्कार कहे कोई बदर दा चमकार कहे मैं चन कहा इंसाफ नहीं चन दा ते चेहरा ही साफ नहीं चन आप भुखा दीदा चन आप भुखा दीदा पज ला के आंदा ईदा इत्थे चन नू पुछदा कौन सूरज दी नीवी तौने इत्थे यूसफा दी बाणी कोई उच्ची लैंदा सा नहीं जा पुछ लै हबशी बिलाल नू जा पुछ लै हबशी बिलाल नू जिस डिठिया में दिलाल पिया मारा ते मारा खामदा पिया मारा ते मारा खामदा पर बुरा नहीं छड़ के जांदा एक बार जिसने तकिया वो फिर नहीं उठ सकिया सुल्फा फबानिया रब ने डिठिया डठाइया सब ने तकदीरों जद कोई आ गया सुल्फा ने कुंडल पा लिया तकदीरों जद कोई आ गया सुल्फान कुंडल पालिया चौड़ी पिशानी सच दी एक लाट दूरों बच दी कोई दीवा रोशन मन दा कोई टुकड़ा आखे चन दा अखियां सुरख ते कालिया अखियां सुरख ते कालिया लख लख हयावां वालिया अखियां सुरख ते कालिया लख लख हयावां वालिया दो लाल टैणा बालिया या बिजलियां चमकालिया सदके नूरानी तंदनी मोटी डब्बी विच बंदने सदके नूरानी तंदने मोटी डब्बी विच बंदने अंदर ही अंदर दमक दे बैकलियां वांगू चमक दे थोड़ा तबस्सुम आ गया वेड़े नू चानन ला गया विच मुस्कुराहट खुल किसी जिस मोले आ सब मुल किसी सोहना जदों सी बोलदा इंज लगदा मोती रोलदा आका थी खुशबू आवदी मदने की खुशबू आवदी रूहान खुश कर जावदी पावे ना इतर लगाम दे पावे ना इतर लगाम दे खुशबू दे हुल्ले आवदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जला कर रात रे बंद करे आजे मैं उस मुखड़े तो कुर्बान जावा मेरी सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ध्यान नाल सुन जो यही बड़ी मोहब्बत है तुहाडा ही प्यार अल्लाह कबूल फरमाए और मैं ते अपनी मोहब्बत दा तर्जमा इंज नहीं करना रात्रा गौर करे आज मेरी सरकार जदों बचपन दे अंदर हलीमा सादिया बनू सादे अंदर लेके टुर गईया घर घर गल्लां हुंदियां ने पई नी बीबियां गल्लां कर नी जड़ा बच्चा हलीमा लेके आईए तू वेखिया सुभान अल्लाह क्या छड़ो सुभान अल्लाह ਕਿਥੋਂ ਆਇਓ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਪੜ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸਨ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਦ ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਲੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ
ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਾ ਵੇਖਿਆ ਆਂਦੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਬਚਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨੇ ਬਨੂ ਸਾਦ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕੇ ਕਮਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕੇ ਸਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਾ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਨੂ ਸਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਇਸੇ ਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ 27 ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਤੜਪ ਜਾਇਓ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜੇ ਆ ਦਿਲ ਮੁਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸੁਣਿਆ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ ਏਡਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸਾਇਆ ਕਰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਚੀਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੇਟੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਲਿਸੀ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਗਏ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਬਦਲ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਜਮਾਲ ਇਹ ਸਭ ਜਮਾਲ ਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਇਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਰਾ ਤੋਂ ਇਸਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆ ਕੇ ਝੂਮ 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 ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸਿੱਧ ਚੁੱਕੀ ਰਾਲਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੌਂਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਲਣੇ ਚ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ
फरमाया जल्दी कर इहदे बच्चे दे घोंसले च लुटा के आ, तैनूं पता नहीं इह चिड़िया अल्लाह दे नबी दी अदालत च तेरी शिकायत लै के आ। जिहड़ा ऊंट आया ना, ऊंट दी मज़मून ते कंधे ते सिर रखिया, अक्खां चों पाणी निकलिया, फरमाया मेरे साहबी ए किदा ऊंट है? अल्लाह दे रसूल फलाना फरमाया तेरा, फरमाया ऊंट को काम बहुता लेना है ते चारा थोड़ा नहीं है, खिदमत थोड़ी कर रहे। अल्लाह रसूल की होया? फरमाया तेनू पता नहीं ऊंट अल्लाह दे नबी को तेरी शिकायत लगा रही है। अल्लाह की कसम है रब ने सारिया मखलूकात दे कोल मनवाया। और जेड़ा नूरी है ना, जेड़ा नूरी नूरी भी नहीं नूरिया दा, बोलो तो सही है, नूरिया दा सरदार है। अल्लाह की कसम उठा के कहना कमली वाले मुस्तफा दा गुलाम है। पाक पैगंबर दे कोलों इजाजत लैके महबूबे कायनात दे दर ते आदर हुंदा है, इजाजत लैके आना जांदा है। कल कयामत दा दिन होएगा मैं कुर्बान जावा, मेरे पाक पैगंबर दी सवारी दी मुहार पकड़ के अगां तुरेगा। जदों कमली वाला बाबू मैदाने माशर दे अंदर आउण गेना, मेरे दादा जन हजरत शाहू कुरान रहमतुल्लाह ने मौलाना मोहम्मद हुसैन शौकी रहमत अल्लाह जी तेरा फकीर लेटे है, अल्लाह अपनी रहमत नाल उहदी कब्र नूं जन्नत दा बाग बणा। लोगों ने कहना जे राजपूत ते मौलवी नहीं हो सकता, जे मौलवी है ते राजपूत नहीं पता करता। उन्हें कहा नहीं भाई ये पक्के राजपूत, ये तो मेरे मालिक की तकसीम है ना, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जैसे जग इन्हों लोग अख लाते हैं, अल्लाह मुनाजरे इस्लाम बना दे, शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हजरत जिमीदार राजपूत लड़ाइया झगड़े वाले थाणियां ते कचहरियां वाले, अल्लाह शेखुल कुरान बना के ते अपने महबूब ते मिंबर दा वारिस बना छड़े। ये मेरे मालिक दी तकसीमां रात तर्जमा करना, कल कयामत दा दिन होएगा पाक पैगंबर दी आमद दा मंदर, जदों लोग मारे मारे फिर रहे होणगे। अज वक्त ते पहचान कर लो कमली वाले मुस्तफा दी, इन पहचान के जाना मुस्तफा दी पहचान अपना, मुस्तफा दी पहचान बना, चेहरे च पाक पैगंबर अली सलाम दी मुहब्बत दे नाल सजान, कल कयामत नूं पहचाने जाओ। फरमाया मैं अपने उम्मतियां नूं दूरों पहचान लवांगा, उम्मती परेशान नहीं होए, लोग मारे मारे फिर रहे ने, मां अज सकी नहीं बनदी, बाप नेड़े नहीं लगदा, यौ मैं यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी, कोई नेड़े नहीं लगदा यार मेरी भैण भरा। अली बुजुर्गां ने तर्जमा करना, होवे हशर नूं कबरां चो बार खलक किसे शुमार आवन, मापे पैन परा ना मुंह लगन, यार यार तो सख्त बिजार आवन, ते चंदा चूल दा हशर मैदान अंदर दूरों नूर ते पे चमकार आवन, हुसैन रवे ना दुख ना गम कोई जदों नजर मेरी सरकार आवन। पहचान लैके जाओ अल्लाह की कसम मुल पै जाएगा। फरमाया जदों मेरी सरकार आवणगे मैदाने महशर दे अंदर, मोमिन परेशान होणगे, कोई खैर खा हमदर्द सिफारशी, कोई जनाब रहबर, कोई अगे लगन वाला नहीं मिलता, बुरा की करिए हुण किले कोल जाइए, किहड़ा सिफारशी बने जिहड़े मोमिन ने, अज निगाहां इक पासे उठण गईआं चेहरे तरोताजा हो जाणगे, क्यों यकायक मैदाने महशर च गूंज पै जाएगी, वो आ गए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले की होएगा, अब किस तरफ को जाए किसको सुनाए दुखड़ा, मुश्फिक कोई बता दे शाफे बने हमारा, वो आ गए मुहम्मद। हजरत शाहुल कुरान दिया बोलिया, वो आ गए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आ गए मुहम्मद, बुराक की सवारी पहने हुआ है जिसने नूरी लिबास सारा, जिब्रील वो फरिश्ता, जिब्रील वो फरिश्ता, सैयद मलाइका का थामे हुआ है बागे, देखो जब नजारा वो प्यारी प्यारी सूरत मेरे नबी कम खड़ा, उठी सदा
सर से कुर्बान शाह सवारा दरबार जा रही है हजरत की ये सवारी जाकर करे शिफात अब बख्श दे गफारा ये प्यारे प्यारे मोमिन सुन्नत पे मरने वाले हैं तेरे फजल से या रब जन्नत मिले उतारा मोहम्मद हुसैन या रब ए बख्शिश तेरी कतालिब कुछ मांगता मैं तुझसे सुन ले मेरा पुकारा बाकी जो उम्र मेरी इस्लाम में हो पूरी सुन्नत पे जान दे दूँ बिदअत नहीं गवारा आमीन लैसी जिंदगी वफा वाली मुस्तफा दी सुन्नत दे वफा वाली कबरी वाले दी हदीस दे हया वाली अता करें आखिरी तर्जमा सुन लो ते दुआ हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह मैंने बार बार किया गया बुजुर्गों ने शेर बहुत ही सुनाए क्योंकि अल्लाह की रहमत में जिन्हें शेर ने ना रब दे कुरान दा तर्जमा ते महबूब दे फरमान दा तर्जमा अल्लाह दी कसम इन्ना मिन अशअर ला हिकमा हिकमत भरे शेर ने फरमाना जब कल कयामत के दिन औदे कौसर वल जाइए ना ते साकी ए कौसर दूरी पहचान लो कमली वाला महबूब बाजू फैला के कवे उद्र मिन्नी उद्र मिन्नी आ मेरे करीब आ अल्लाह करे जदों कोल जाई जदों सामने जाई आज जिन्ने जमा होयो आ सारे सारे हर मसलक दा बंदा पाक पैगंबर दा गुलाम कलमा पढ़ने वाला जदों सामने जाई अल्लाह करे ऐसा दम बन जाए पाक पैगंबर दा दीदार होना है रब दा हबीब इस्तकबाल करे अबू बकर सिद्दीक इस्तकबाल करे उमर बिन खत्ताब इस्तकबाल करे रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया इंजी होएगा नबी पाक अलैहि सलाम मस्जिद नबी जो बाहर निकल रहे सज्जे आते जनाबे सिद्दीक दा हाथ खब्बे जनाबे फारूक दा हाथ ना दरवाजे च आए ना के बाहर एक सहाबी देख के मुस्कुरा पे फरमाया तेनू तू मुस्कुरा रहे इस कैफियत नु देख के इस तो अगे सुन हा कदा नुबअथु यौमल कियामा मैं ते अबू बकर ते उमर कियामत वाले दिन आका दे नाल सिद्दीक फारूक अल्लाह दा दी वफा नसीब अल्लाह आका दे अहले बैत दी अहार दी मोहब्बत नसीब अल्लाह महबूब दे शहजादियां दी वफा जिन्हां जन्नत दे दरवाजे दे इस्तकबाल करना है आ जाओ दुनिया च नबी दे शहजादे नाल प्यार करके आए हो अज असी जन्नत दे सरदार अपनी है आ जाओ नतीजा मिल जाएगा अल्लाह करे कम बन जाए ओदे कौशल ते जाइए बाबू पहचान लैण ते पहचान के पता की तरह नाल प्यार दे कोल पिछाण मैनूं आमीन भी कह लो नाल प्यार दे कोल पिछाण मैनू आकर पी कौसर मैं पिलाण वाला प्यास बुझ गई ठंड पई सीने मुल पिया कुरान सुनाण वाला बुझ गई ठंड पई सीने मुल पिया कुरान सुनान वाला और तकदीर मेरी आज चमक उठी किते मैं ते किते शान वाला हुसैन रज रज वेख रसूल सोना हुसैन रज रज वेख रसूल सोना नाले पर सुभान बनान वाला लकरेंज बोल पै जाए लकरेंज वफावां दा सिला मिल जाए रात रा गौर करे आदे हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कदी कहना ओए लोगो साडे वास्ते कौन आ गया साडे वास्ते साडी जिंदगी दे अंदर ऐसा रासा कानूमा ऐसा मुक्तदा पेशवा आया चढ़ियो आमिना ने ते मनिया मोमिना ने जेड़ा सच्चा मनन वाला जरा उच्ची कहो सुभान अल्लाह आमिना ने ते मनिया मोमिना ने क
कायनात नू सुखदा सा आया चक चमकया सूरज दी रोशनी थी पर दिल दे अन्या नजर लाला आया और कई फुल पे दौलत शौक ताते कईयां कुर्सियां बैन दारा चा आया हुसैन रीस में तेरे मुकद्दरानी तेरी मंड अहमद मुझ तबा आया गुरबान जावा लोग सौ रसा ते शिरे ते गंध हर त्यौहार देना कामिलो अकमल साथ मेरे सोने मुस्तफा दी मैं कुर्बान जावा फिर पाक पैगंबर ते मनन वाले आने मनन दी इंतहा कर दीती ओ वफा असहाबे रसूल दी ओ वफा अजवाजे रसूल दी ओ वफा औलादे रसूल दी कायनात ते अंदर अल्लाह दी कसम मिसालां नहीं मिलदियां मैं पाकां दा जिक्र करदे आ पाकां दा जिक्र करके गल मुका दे आ ए तिन्ने तबके पाक असहाब पाक अजवाज पाक औलाद सारे बोलो औलाद पांच चार नहीं सन पाक जेड़ा तन तने मुस्तफा ना ढकया अल्लाह ने सब नु पाक कर छड़े और वफादारी ऐसी असहाब की वफादारी पहले सुनिया जे मैं कुर्बान जावां हजरत कुरबा बिन मसूद सतवी रदी अल्लाह तआला मक्के वाले ने किया जब जरा हालात का जायजा लेके आओ मोहम्मद ढिले पै गए हो क्यों जी थक गए ना माशा टाइम आवा ही हो गया कितने ज्यादती ना हो गया मोहम्मद ने पड़े आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने यारा की तैयारी उन्होंने इंतजाम भी किया होगी जनाब उड़वाए ना जायजा लेंगे ने फिर हालात का नमाज का वक्त है आका वजू करते हैं बर्तन में पानी ते एक साबी वजू करा रहे हैं अबू बे कायनात ने अपने हाथ धोने शुरू की थे ना ते पाक पैगंबर इस्लाम से हजमला इस्तेछाल तो बाद कुली नाके च पानी चढ़ाने तो बाद जब चेहरा पाक ते पानी ते मारे या ना छींटे मारे बुक भर के महबूब ने पानी अपने चेहरे उत्ते पाया ते दाढ़ी मुबारक चो कतरे गिर के जमीन पर जान लगे एक सहाबी दा प्यार पिया ओ तेजी ना लग गया महबूबे कायनात दे चेहरे दे थल्ले तलियां बिछा दीतियां जिहड़े पानी दे कतरे चेहरे मुस्तफा नूं चुम चुम के जमीन पर चले सन ना सहाबी ने अपनियां तलियां हथेली विच समेट ले इन्हां नूं मल के चेहरे ते मलदा पिया फिर हथ थल्ले रखे इक दूजा आया उहने दे हत्थां दे थल्ले हथ रख दित्ते इक तीजा आया उहने उहदे हत्थां दे थल्ले इक होर आया उहने उहदे हत्थां दे थल्ले कोई पानी इहनूं मिलिया इहदे कोल बचिया दूजे नूं मिल गया उहदे कोल वधिया उहनूं मिल गया जिहनूं नहीं मिलिया उह उहदे हत्थां नूं मरदा जिहनूं पानी मिल गया जिहदे हत्थां नूं पानी लग गया चेहरे ते मरते ने रुखसारा ते मरते ने सीनिया ते लगा रहे ने मुशरक दी सलाम दा दुश्मन है अजे मुसलमान नहीं होए हजरात मंजर वेंदे ने पए नजारा करदे ने पए मुस्तफा दे गुलाम ऐसे जेड़े पैगंबर दे वजू वाले पानी दे कतरे जमीन से गिर नहीं देंदे अपने नबी दे खून दे कतरे किवें गिर देंगे ऐ मसूद सखी असी ऐ उरवा असी इन्हां कोलों जम जित सकदे जिहड़े अपने आका दे वजू वाले कतरे जमीन ते गिर नहीं देंदे बोलो खून दे कतरे भी गिरन असी इन्हां कोलों जित नहीं सकदे जनाबे उरवा वापस गए मुहब्बत दा समा बन गया मुहब्बत दा तर्जमा सुनान लगे सुना दे पहले तुसी सुनाओ मुहब्बत नाल सारे मिलके उच्ची पर चलो जनाबे उरवा गए जाके रिपोर्ट पेश कर देने पे हालात दा जायजा लिया रिपोर्ट पेश कर दे मौला शमशान दा तर्जमा कहे उरवा सकती कुरैशा नु जाके राणा सन साहब इधर मेरे नाल कहे उरवा सकती कुफारा नु जाके मैं शाह-ए-शाही दरबारा नु डिठा मैं दुनिया फिर छड्डी मैं शाह-ए-शाही दरबारा नु डिठा जमाने च ऐसी मिसाली नहीं मिलती जिवें मैं मुहम्मद यारा नु डिठा जिवें मैं मोहम्मद
दे यारा नू डिठा जिकी डिठा सताई वाले हो उन्नति वाले हो तीन वाले हो इतना गिरद वाले हो अमीर बंदे रोशन नमीरो तर्जमा समेत की डिठा बुजू कदरे गिर दे ओ पाज पाज के पकड़न को जुमला साया ना कर दे आजे रात जो मेरे नाल रहना नाली हो कोई उठे कोई पवे कोई आए कोई जाए तुसा मेरे नाल रहना की डिठा बुजू कतरे गिर दे ओ पाज पाज के पकड़न खुशी नाल मल दे रुखसारा नू डिठा दिखे थक दी एक छिप भी ना जमीन उठते मैं ऐसा कदी भी नजारा नहीं डिठा मैं ऐसा कदी भी नजारा नहीं डिठा ओ छोटे बड़े नाल हस हस के बोले ओ छोटे बड़े नाल हस हस के बोले ओ अपने पराए नाल हस हस के बोले ओ सच्चर दुश्मन नाल हस हस के बोले मैं एहसास का दीवी प्यारा नहीं डिठा सुभान अल्लाह लाते हो तबके में मैं कुर्बान जावा इना दी वफा तो सदके जावा और आखरी पैगाम महबूब करीम अलैहिस्सलाम से घर वाले पाक पैगंबर दे अहले बैत दी अजमत है सहाबा वो अहले बैत मेरी मोहब्बत दा तर्जमा मेरे दिल दे जज्बात उन्नती चढ़ी चकली याद ली कोई फिर दादा दे सरकार के असहाब सितारों की तलाश जे महबूब का तज़किरा है ते मनन वाले का ना हो मेरी गल मुकम्मल नहीं होनी और जो हालात बनाए जा रहे हैं ना जो जसारत कीतियां जा रही ने मुल्के पाकिस्तान के अंदर हालात सहाबा इकराम की गुस्ताखी के मृत नए बाल खोलन की जसारत कीती जा रही है और दुनिया भुलेखे के अंदर दुनिया गलत फहमी के अंदर कि सिद्दीक की इज्जत लावारिस नहीं फारूक की इज्जत लावारिस नहीं जनाब उस्मान अली की इज्जत लावारिस नहीं सहाबा के अहले बैत का मकान लावारिस नहीं अजे सहाबा की इज्जत के चौकीदार अहले बैत की नामूस के पहरे आले रसूल ने सच्चे धर्मावतार ये सच्चे हबजार अजय इस कायनात के अंदर जिंदा ने मरते दम तक सिद्दीक की अजमत का दिफा करते रहोगे फारूक की अजमत का दिफा करते रहोगे उस्मान अली की अजमत का दिफा करते रहोगे सैयदा फातिमा की अजमत का प्रचार करते रहोगे सैयदा खदीजा की आयशा की अफसा की इज्जत का प्रचार करते रहोगे हसन हुसैन की अजमत के फुरेरे लहराते रहोगे आगे बैठ आगे रसूल की शान से नारे लगाते रहोगे और कोई दुश्मन भुलेखे के अंदर कि अपना भुलेखा दूर कर लवे एक देवबंदी एक बरेलवी ए आले हदीस मरते दम तक सहाबा की अजमत से टक्के बचाते रहेंगे हर मैदान सहाबा की इज्जत के नारे लगाते रहेंगे उच्ची कवे इंशाअल्लाह हर मैदान च दुश्मने सहाबा नू लंकारांगे दुश्मने सहाबा नू गिरावांगे सहाबा दी अजमत दे झंडे लहराओगे इंशाअल्लाह आओ फिर साथ दे शाने सहाबा शाने अहले बैत शाने अजवाजे मुतहरात शाने सिद्दीक अकबर शाने फारूक आजम शाने उस्मान गनी शाने अली अल मुर्तजा लोग तकसीम करके बयान कर दे असहाब आलमी शर्मंद मौजूद आल ने असहाब का इहतराम ने किया अजवाज अलग तब कह दो अल्लाह ने कहा नहीं वल्लदीना माहू तुहानू पता ना माहू दे विच सारे ही पैगंबर दे नाल दे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह है ना सूरह फतह ते आखरी मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू और जिन्ने ओदे नाल दे असहाब अजवाज औलाद जिन्ने भी नाल दे अल्लाह जी ने अजमत की फरमाया सब तो बड़ी अजमत अशिता ओ अलल कुफार रुहमा ओ बहना हो सहाबा नबी पाक दीयां बीवियां पाक पैगंबर दी पाक औलाद ये सारे आपस दे अंदर बड़े नरम सन ते कुफर दे मुकाबले च बड़े गरम सन दुश्मन दे सामने नंगी तलवार सन आपस विच फुल्लां दी बहार सन
ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਏ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆਖਰਤ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਦਰੀਆ ਬਣਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੀ ਤਲਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੀ ਤਲਾਹੇ इस्लाम है मस्जिद इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है और दिल लगाओ अबू बकर उमर है दर उस्मान देखिए उस्मान देखिए उस्मान देखिए अबू बकर उमर है दर उस्मान देखिए इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है इस्लाम की अजमत चार मीनार मेरे महबूब दे चारे यार करीब सर सब याद है ना मोहब्बत का तर्जमा इन्हें को सुना इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है और अगे सुनियो आयत तथहीर का तर्जमा आयत तथहीर सूरह अहज़ाब इन्नमा يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ترجمہ سنو اللہ دی رحمت نال میرے اپنے جذبہ میرے دل دی ترجمانی اولاد اہل بیت کی اصحاب اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے मिसरा मुकम्मल होता है इंशाल्लाह ठंड ना पे लगे अस्हाब अहले बैत की तदहीर देखिए ताबीर में तमसील में कुरान के पारों की तरह है अल्लाह की कसम इन्ने पाक ने जिवें कुरान दे सिपाही पाए اللہ نبی وفات زندہ رکھنا انہاں دے نقش قدم دی خاتمہ عطا کرنا اللہ اس ملاقات نو ساڈی محبت دا اللہم الف بین قلوبنا یا اللہ دلاں تے جڑ جان دا ساڈے پیار دا ساڈی آخرت دے بہتر ہو جان دا اور ساڈی نجات دا اس ملاقات نو یا اللہ ذریعہ بنا دے اج دے درس دا تانوں اے یوٹیوب دے اُتوں یاسین اسلامک यासीन इस्लामिक यूट्यूब चैनल जो तो अज का लाइव भी और यूट्यूब तो भी तो मिल जाएगा मुहतरम भाई अब्दुल्ला साहब सीधी वजह मौला हाफिज उमर साहब 29 चक चौक वाली मस्जिद एस बुद्ध इंशाअल्लाह बड़े अजीम स्कॉलर पे अपना पीस पैगाम टीवी ते और मुख्तलिफ माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे इल्मी मुज़ाकरियां देते हैं और खतीब पंजाबी ने सुरीले खतीब ने मेरे को टीवी ते आने वाले ते खड़े खुशकी बयान होने इल्मी और बड़ी माशाल्लाह मौसर बड़ी मुतरन्नम गुफ्तगू फरमाते हैं ए मगरब तो बाद इशा तो बाद 29 चक चौक वाली मस्जिद के अंदर करी सिबत हां जी नारा आंदे ने लाना खत्मे नबूवत दा ए एक गल रह गई सी ते ओ माशाल्लाह भाई अब्दुल्लाह ने याद करा दी थी क्यों जी खत्मे नबूवत दा नारा ला लिया इंशाल्लाह नारे तकबीर दुआ भी करनी है या अल्लाह इस नारे च जेड़ा गैरत नाल पूरा साथ देना है ना ईमानी गैरत रखना अपन तीसत वास्ते इंशाल्लाह दुआ में जोर ना करनी है पहले बेदारी ने सबूत दिया नारे तकबीर ताजदारे खत्मे नबूवत हाथ चौक के दरा ताजदारे खत्मे नबूवत ये नारा अल्लाह ने मेरा कराची तो पिशावर बन के दुनिया पूरी दे अंदर सोशल मीडिया दे रही है अल्लाह ने नारा साढ़े को सुनाया अल्लाह ने मेनू आखिर दी कमाई का मौका दिता अल्लाह कबूल करे
एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, कतारे खत्मे नबूवत से ये मुल्क बचाना चाहता हूँ, कतारे खत्मे नबूवत से ये मुल्क बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ, खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ये मुल्क मदीने वाले के इस्लाम की खातिर पाया था, ये कलमा नारा बन गया था, असलाफ ने खून लुटाया था, अब हम मैदान में निकले हैं, बातिल को तबाह कर डालेंगे, अब हम मैदान में निकले हैं, बातिल को मिटा कर डालेंगे, जो खत्मे नबूवत मुनकिर हम उसको गिरा कर दम लेंगे, जो खत्मे नबूवत का मुनकिर हम उसको गिरा कर दम लेंगे, मैदान सजाना चाहता हूँ, शाही को लड़ाना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मैं ना अगले दिन एक छोटा जा कलाम अज कह लो जे तबीर अंडर क्लास अज की मुनासबत ना मेरा दिल किया मैं तिने मसालक के जिन्हें अकाबिर उलामा ने जिन्हें खत्मे नबूवत के अकीदे की चौकीदारी की है उन्होंने खिराजे तहसीन पहुंचावा अल्लाह ने ना तीन चार अशार लिखा दिए जे कहो तो मैं दो सुना लिया और जे अजे मैं सुनाए कितने नहीं जे मैं मिंबर से बह के कह रहा कितने नहीं अजे सुनाए आज मैं एक मजलिस मशहूर प्रेस क्लब उत्थे सारे मुश्तरक सन उत्थे मैं दो शेर पढ़े ते आज मैं किसी अवामी प्रोग्राम पहली बार पढ़न लगा बहुत दल दिन इंशाला मंडी सत्तराबाद शहूपुरे बहुत बड़ा प्रोग्राम खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस मुश्तरक देवबंद मसलूक वालों हजरत मौलाना अल्लाह वसाया आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत दे बुजुर्ग अमीर मुल्तान वाले और बरेलवियां वालों मौलाना अब्दुल शकूर रिजवी साहब और अहले हदीस वालों अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब हफ़िज़हुल्लाह मुश्तरक प्रोग्राम है मैं तैयारी की वास्ते इंशाअल्लाह उत्थे तीन मसीकां दे काबिल वास्ते और खत्मे नबूवत लई इकट्ठे काम करन इंशाअल्लाह कुछ ये लिखे अज पहली बार मेरे दिल में इत्थे तुहाडे कोल सुणाउणे ये खत्मे नबूवत के ये खत्मे नबूवत के पहरेदार आ गए ये खत्मे नबूवत के पहरेदार आ गए ये रब की जन्नतों के तलबगार आ गए ये खत्मे नबूवत के पहरेदार आ गए ये रब की जन्नतों के तलबगार आ गए ये खत्मे नबूवत के पहरेदार आ गए ये रब की जन्नतों के तलबगार आ गए ये सुन्नी वहाबी के झगड़ों को भुला कर ये सुन्नी वहाबी के झगड़ों को भुला कर बस आमिना के लाल का परचम ही उठा कर बस आमिना के लाल के परचम को उठा कर बन कर गुलाम सारे ये सरदार आ गए बन कर गुलाम सारे ये सरदार आ गए ये खत्मे नबूवत के पहरेदार आ गए अरे काबिर का तस्करा वो अमृतसरी हो के अताउल्लाह बुखारी वो अमृतसरी अल्लाह की कब्रा में मुल्ला गुना पर फरमा वो अमृतसरी हो के अताउल्लाह बुखारी वो मेरे अली हो के मौलाना बटालवी वो मेरे अली हो के मौलाना बटालवी उनके ये बेटे हो के अब तैयार आ गए ये खत्मे नबूवत के पहचानिए जी ना जेडे नाम मैं लाए ने कैसी चौकीदारी है हजरत सैयदना ताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत सहरा फतुल्लाह हजरत पीर मेरे अली शाह कोलड़वी रहमतुल्लाह ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह पर सब तो पहलो हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह उनके ये बेटे हो के अब तैयार आ
जरा तैयार है बोलो उनके ये भेंट हो के अब तैयार आ गए ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए जो खत्म नबूवत के दिल से दाई बने जो खत्म नबूवत के दिल से दाई बने जो सारे मसलकों के भाई भाई बने जरा देखो उनके चेहरों पे अनवार आ गए ये देखो उनके चेहरों पे अनवार मस्जिद वसीम साहब है ना सिकारी साहब ये देखो मौलाना आतिफ साहब माशाल्लाह ये देखो उनके चेहरों पे अनवार आ गए ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए और मकता तू मांग उससे मानेगा एक दिन तो वो करीम तू मांग उससे मानेगा एक दिन तो वो करीम तुझको सिया मिलेगा उस दिन ही ऐ नईम जब मुस्तफा के आंखों को दीदार आ गए ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए ये रब की जन्नतों के तलबगार आ गए ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए ये रब की जन्नतों के तलबगार आ गए ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए ये रब की اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سرقوا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا كريم تمام روحاني جسماني بيمارو شفا अल्लाह जितने प्यारे सारे दुनिया तो जा चुके हैं राणा काशिफ साहब वास्ते और दीगर अहबाब वास्ते पैगाम मिले हैं या अल्लाह करीम सारे जितने प्यारे जुदा हो गए सब की कब्र जन्नत के बाग बना या अल्लाह जन्नत के अंदर आना मुकाम अता फरमा या अल्लाह करीम सारे सब के दिल को जोड़ दे तेरे महबूब की खत्म खुतबत वास्ते सहाबा अहले बैत की इज्जत की चौकीदारी वास्ते अल्लाह उन्होंने अल्लाह ताला की चौकीदारी वास्ते या अल्लाह करीम सानू सारे मुफीन कर दे अल्लाह साडे दिलां नूं जोड़ दे या अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमा अल्लाह कुफर और इस्लाम दे दुश्मन जो है पढ़िया आए दे मित्र नहीं साजिशां दे नाल मुसलमानां नूं जाना चाह रहे हैं या अल्लाह मेरे मुल्क दी हिफाजत फरमा पाकिस्तान और इस्लामिया ने पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह साडे सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा या अल्लाह मस्जिद दी जमात मौलाना आतिफ साहब इंतजामिया और जितने इस प्रोग्राम को करने वाले मुंतजमीन बिलखसूस मेरे भाई अब्दुल अहद और इन्होंने रफका आबाद जिन्होंने दावत दी जे आप आए वक्त निकालिया दोस्त आबाद को लेके आए राणा फकीर हुसैन साहब और दी तो दीगर अहबाब जे आए माशाला क्याले तो भाई इम्तियाज साहब दीगर देहातम तो मदती तो जमात के बुजुर्ग दोस्त आए हजरत शाह जी आए नासिम साहब आई अल्लाह सब का होना अहबाब ने इस प्रोग्राम वास्ते लेके और तरगीब दिलाना कबूल मंजूर फरमा या अल्लाह कुरान दे हदीस दे तेरे हबीब की शान दे बयान नु छड़ दिल दी तब्दीली दा जरिया सिर तो लेके पैरों तक तेरे हबीब की मोहब्बत दे रंग विच रंग जान दी तौफीक अता फरमा जे कमली वाले महबूब नु सब तो सोहना मनने या अल्लाह सानू सोहना बनन दी तौफीक अता फरमा चेहरे सोहने बनाने दी तौफीक अता फरमा या अल्लाह करीम अपनी रहमत दे नाल सारियां दे दिलां दीयां नेक मुरादां पूरियां फरमा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।